सो फाइनली गाइज आज की वीडियो में इसके लिए बात करने वाला हूँ वीवो Y02 मोबाइल के बारे में। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप इसमें स्मार्ट स्प्लिट स्क्रीन को यूज कैसे करेंगे। जेंस तो अगर जैसे कि आप इसमें स्मार्ट स्प्लिट सेटिंग को यूज करना तब एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन का मतलब होता है कि आप एक मोबाइल में एक साथ डबल एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। जैसे आप एक साथ में इंस्टाग्राम को भी यूज कर सकते हैं या फेसबुक को भी यूज कर सकते हैं, जिसे आप डबल विंडो भी कर सकते हैं। तो इसमें डबल विंडो को यूज कैसे करना होगा चलिए इस वीडियो में बता देता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो गाइस इसको करने के लिए हमें अपने मोबाइल के सेटिंग में आना होगा। तो मैं आ जाता हूँ मोबाइल के सेटिंग में। अब सेटिंग में आएंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर नीचे आपको आना है तो आपको यहाँ पर शॉर्टकट्स एंड एसेसिबिलिटी का एक ऑप्शन मिलता है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एस कैप्चर मिलेगा, स्मार्ट स्प्लिट मिलेगा। तो दूसरे नंबर पर आपको स्मार्ट स्प्लिट मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सर्च बार से यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं स्मार्ट स्प्लिट। तो मैं फिलहाल चलिए सर्च करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सर्च किया, यहाँ पर देख सकते हैं आ गया है। तो मैं यहाँ से इस पर डायरेक्ट आ जाता हूँ। अब यहाँ पर जब आएंगे तो आपके सामने इस तरीके इंटरफेस में आ जाएगा। यहाँ पर इंटर स्प्लिट स्क्रीन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ इन ए स्प्लिट स्क्रीन आप स्वाइप अप विथ 3 fingers 2 times ऑन स्प्लिट स्क्रीन मोड। इसको आप इनेबल कर लेते हैं। इनेबल करने के बाद आप 3 fingers से अपने मोबाइल को ऊपर की स्लाइड करते हैं तो आपका मोबाइल जो है वो स्प्लिट स्क्रीन में ऑन हो जाएगा। मैं चलिए करके दिखा देता हूँ। जैसे हमें यहाँ पर व्हाट्सएप को करना है, व्हाट्सएप को करने के बाद यहाँ से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे आपको फेसबुक को ही फेसबुक यहाँ से ऑन कर लिया हूँ। अब आपको स्मार्ट स्प्लिट करना है तो आपको यहाँ से 3 fingers से लेकर ऐसे ऊपर की ओर स्क्रोल करेंगे तो देख सकते हैं मेरा जो मोबाइल यहाँ पर स्मार्ट स्प्लिट में हो गया है। अब यहाँ पर आप कोई भी और एप्लीकेशन को यूज करना चाहेंगे तो यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चलिए मैसेंजर को नहीं यहाँ पर इंस्टाग्राम को यूज करके दिखाऊंगा आपको। तो फिलहाल मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम अभी नहीं मिल रहा तो मैं चलिए कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। चलिए मैं यूट्यूब को ही ऑन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यूट्यूब को यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ और मेरे नीचे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर दिखाई दे रहा है फेसबुक है और नीचे देख सकते हैं मेरा यहाँ पर यूट्यूब है। तो इस तरीके से आप इसमें पहले तरीके से 3 fingers इसमें स्मार्ट स्पीकर को ऑन कर सकते हैं। और दूसरा सेटिंग है, चलिए इसको मैं बता देता हूँ। दूसरा सेटिंग ऑन करने के लिए फिर से हमें मोबाइल के सेटिंग में आना होगा। अब सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरे मोबाइल में इस तरह का इंटरफेस होता है। तो आपके मोबाइल को जब यहाँ से करते हैं रिसेंट टास्क पर तो रिसेंट टास्क पर आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इंटरफेस मिलने के बाद आपको जिस एप्लीकेशन को यहाँ पर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं स्मार्ट स्प्लिट। तो जैसे मैं चलिए आपको ना यहाँ पर MX प्लेयर को करूँगा। इसमें MX प्लेयर पर करने के बाद आपको स्प्लिट स्क्रीन पर ऑन कर देना है। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो गया है। अब ऑन होने के बाद आप यहाँ से कोई भी और भी एप्लीकेशन अदर एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो मैं चलिए यहाँ से देखते हैं यहाँ पर प्ले स्टोर का ही कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मेरे मोबाइल में यहाँ पर मेरा MX प्लेयर ऊपर है और यहाँ पर नीचे प्ले स्टोर भी शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको भी डबल कर सकते हैं। और भी दो ऑप्शन है, इसको भी बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं फिर से आ गया हूँ सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, इसको यहाँ से भी कर सकते हैं स्मार्ट स्प्लिट को ऑन। तो यहाँ से देख सकते हैं स्मार्ट सॉरी यहाँ पर कहीं पर है, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर है। तो यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके इस पर तो यहाँ पर जैसे सपोर्टेड नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, जो एप्लीकेशन सपोर्टेड होगा वहाँ पर वो ऑटोमेटिक वहाँ पर स्क्रीन डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें सिंपल तरीके से स्पीड स्क्रीन सेटिंग को यूज कर सकते हैं। तो सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लिए बाय बाय।